हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, यार कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप समझते होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस इस वीडियो में आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कुछ ही टाइप का फोटो एडिटिंग। देखते हो गाइस ये फोटो कितना कमाल का लग रहा है। अगर आप इस वीडियो को बिना इसके फुल वॉच कर लोगे ना तो वन क्लिक में आप भी इस प्रकार का फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। तो यार कैसे करना है मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा मेरे भाइयों। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में घंटी है ना उसको भी ऑल में कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं मेरे फोन की होम स्क्रीन में गाइस, वहां मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जब तक के लिए बाय। सो गाइस तो आ चुका मेरे फोन की होम स्क्रीन में और आ जाने के बाद एक बार आपको फोटो को दिखा देता हूं। तो देख पा रहे हो स्क्रीन में कितना होसम हमारा जो फोटो वो लग रहा है। देखते हो गाइस बहुत ही मस्त हमारा फोटो एडिट कर रखा है, ठीक है मेरे भाइयों। और हमारा रियल फोटो भी देख सकते हो कुछ ही टाइप का है, बिफोर और एंड आफ्टर, ठीक है मेरे भाइयों। तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा फोटो आपको भी मैं सिखाने जा रहा हूँ कि ऐसा फोटो कैसे बनाया जाता है, वो भी वन क्लिक में, ठीक है मेरे भाइयों। तो कर ले यार वीडियो स्टार्ट। और गाइस मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना क्योंकि आपको इसमें एक प्रीसेट मिलेगी। तो वो प्रीसेट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है सब कुछ इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रियल फोटो रहेगा ना उसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर आइकन में क्लिक कर लेना है। और शेयर आइकन में आप क्लिक करोगे ना तो फोटो को आपको शेयर कर लेना है यहाँ से स्केचबुक की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है मेरे भाइयों। इसके अंदर आप फोटो को शेयर कर लेना है। सो गाइस तो आ चुका है हमारा फोटो स्केचबुक की एप्लीकेशन के अंदर। आ जाने के बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पेज है ना उसको हम स्मूथ करेंगे। तो जूम कर लेना है ऐसे, देखते हो गाइस कितना बेकार सा हमारा जो पेज है वो लग रहा है। तो जूम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना होगा मेरे भाइयों। यहाँ जाने के बाद आपको अपने फ़ोटो में एक बार क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप क्लिक करोगे ना तो डब्ल्यू केट में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। डब्ल्यू केट में क्लिक करने के बाद जूम कर लेना है ऐसे, छोटा कर लेना। और छोटा करने के बाद आपको यहाँ जाना होगा ऊपर। यहाँ जाने के बाद आपको लाइव रिपन कर लेना है। तो अभी लाइव रिपन है, जैसे आप लाइव रिपन करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना होगा। और आने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार के ब्रश देखने मिलेंगे, देख लेना इस टाइप के। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्मूथ, ठीक है। तो इनमें से आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको कैसे सेटिंग रखना है, बीच वाले की तो रख लेना एक, और इसके नीचे वाले इसको छः रख लेना, और जो ऊपर वाली है ना उसको यहाँ से अभी रख लेना है, उसको 36.9 कर देना। और यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद जूम कर लेना, और जूम करने के बाद कुछ प्रकार से आपको स्मूथ कर लेना, देख सकते हो कुछ प्रकार से, ठीक है मेरे भाइयों। तो अपने पेज को ऐसे स्मूथ कर लेना होगा आपको सही तरीके से, ठीक है मेरे भाइयों। देखते हो गाइस जहाँ स्मूथ कर रहा हूँ ना कितना कमाल का हो रहा है। तो आपको इस प्रकार से स्मूथ कर लेना अपने पूरे पेज को, ठीक है। और जूम करके अच्छी तरीके से आपको स्मूथ करना, ठीक है मेरे भाइयों। जल्दी नहीं करना मेरे भाइयों, अगर आप जल्दी से स्मूथ करोगे ना तो पूरा पेज से जो बिगड़ जाएगा। तो हल्के हल्के हाथों से आपको स्मूथ करना होगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो देख पा रहे हो जैसे जैसे स्मूथ कर रहा हूँ ना बहुत ही मस्त लग रहा है। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस टाइप से आपको ब्रश चला लेना है और जूम कर लेना, और जूम करके ऐसे चला लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। और ब्रश की साइज अगर ज़्यादा भी लगे तो उसको कम कर लेना, ठीक है मेरे भाइयों। कम ऊपर जाना, और जो ये लाइन है ना ऊपर वाली इसको कम ज़्यादा करना है, ठीक है। और ये दोनों को आपको कुछ भी नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखना मेरे भाइयों, ठीक है। और ऐसे कट कर लेना, जूम कर लेना, और ऐसे स्मूथ कर लेना अपने पेज को बहुत ही मस्त तरीके से। तो यहाँ आप देख पा रहे हो गाइस बहुत ही मस्त तरीके से स्मूथ हो पा रहा है। तो इस टाइप से आप स्मूथ करोगे ना तो हमारा जो पेज है वो बहुत ही कमाल का लगेगा। तो यहाँ पर भी मैं अपने जो गला है ना इसमें भी मैं स्मूथ कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत सेटिंग को ऐसे बढ़ा लेता हूँ। और बढ़ाने के बाद इस टाइप से इसको स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत करूँगा गाइस क्योंकि पेज में ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो पेज है वो मस्त लगेगा ना, तभी हमारा फोटो भी मस्त लगेगा, ठीक है मेरे भाई। इस बात पर आप ध्यान रखना, देख पा रहे हो गाइस इस टाइप से आपको स्मूथ कर लेना। और सो गाइस देखते हो यार स्मूथ हो जाने के बाद कितना कमाल का लग रहा है हमारा फोटो, देखते हो। यहाँ पर मैं ब्रश के साइज़ को कम करके और यहाँ अपने फोटो में भी थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आपको चला लेना है, ब्रश के साइज़ को कम करके यहाँ से हल्का सा बढ़ा लेना है, और ऐसे ऐसे आपको चला लेना होगा, ठीक है मेरे भाई ब्रश को। तो सो गाइस तो यार देख पा रहे हो हमारा पेज ने जो स्मूथ हो गया वो भी बहुत ही कमाल का, जहाँ रह गया वहाँ जूम कर लेके, और ऐसे आपको स्मूथ कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है। तो स्मूथ हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो को आपको थ्री डॉट देने लगा ऊपर की तरफ, थ्री डॉट में जाना है।
थ्री डॉट में जाने के बाद आपको शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना है। शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद इस वाले आइकन में क्लिक करके इस फोटो को आपको शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है मेरे भाइयों। सो गाइस, तो देख पा रहे हो हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। तो गाइस, आ जाने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ बैक, और बैक जाने के बाद मैं गैलरी को ओपन करके यहाँ से प्रीसेट ले लेता हूँ। तो कुछ ही टाइप का प्रीसेट है मेरे भाइयों। तो ये प्रीसेट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैं प्रीसेट को भी यहाँ से शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेता हूँ। शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद फाइनली मैं प्रीसेट को शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है गाइस। तो देख पा रहे हो हमारा जो प्रीसेट है वो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। गाइस, आ जाने के बाद आपको थ्री डॉट में जाना है ऊपर, और थ्री डॉट में आप जैसे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग में क्लिक कर लेना है। कॉपी सेटिंग में क्लिक करने के बाद फाइनली आपको ऊपर राइट वाला आइकन देने मिलेगा, राइट में क्लिक कर देना है। और राइट में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तीर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है। और तीर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद अपना जो रियल फोटो रहेगा ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको फिर ये थ्री डॉट में जाना है ऊपर, और थ्री डॉट में जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, पेस्ट सेटिंग, इसमें आपको क्लिक कर लेना है और थोड़ी देर वेट करना है यहाँ से। और सो गाइस, देख सकते हो यार, वन क्लिक में हमारा फोटो कितना कमाल का हो गया, बिफोर एंड आफ्टर है ना गाइस, कमाल की ट्रिक। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है मेरे भाइयों। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है, और शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद शेयर टू में क्लिक करके इस फोटो को आपको शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो गाइस, तो हमारा फोटो आ चुका है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। आ जाने के बाद गाइस, हम क्या करेंगे, टूल्स में जाते हैं। टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में जाने के बाद नीचे की तरफ शार्पिंग, तो शार्पिंग ऐसे बढ़ा लेना है। देखते हो गाइस, जैसे शार्पिंग को बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ जाएगी फोटो के ऊपर। तो शार्पिंग में यहाँ से लेना 19, और इसके ऊपर वाला इसको भी यहाँ से बढ़ा लेना है हल्का सा, इसको कर लेना 8+। और इतना हो जाने के बाद गाइस, हम यहाँ से कर लेंगे फाइनली राइट। राइट में क्लिक करने के बाद टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको सिलेक्टिव में क्लिक कर लेना है, और जहाँ जहाँ ब्लैक रह गया ना तो इसको छोटा कर लेना बिंदु को, और ऐसे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। देखते हो गोरा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे गोरा कर लेता हूँ मैं, ऐसे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, और फाइनली यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। और देखते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, हमारा फोटो एडिट हो चुका है, और एडिट होने के बाद इसको डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर आइकन में क्लिक कर देना है। जैसे आप शेयर आइकन में क्लिक करोगे तो गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप कि गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी मज़ेदार वीडियो को देख लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में बेल आइकन उसको भी ऑल में कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।